दोस्तों, ये रेड स्नेक है। एक छोटा वीडियो हमने बनाया था ताकि आपको इसकी पहचान कराई जा सके। कल एसडीएम सिरसा के घर से इसे रेस्क्यू किया था, लेकिन थोड़ा सा इसको जख्म था, इसलिए हम लोगों ने इस पे प्रिकॉशन के तौर पे थोड़ा सा इसका जो है दवाई लगाई है, थोड़ा हल्दी लगाया है और जो बीटाडीन लिक्विड है उसका जो स्लो वर्जन है वो लगाया था ताकि इसको ज़्यादा जलन न हो। और अब ये पूरी तरह से ठीक है, थोड़ा ही डैमेज था, त्वचा जो है थोड़ी ऊपर से टूटी हुई थी, लेकिन अब ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। देखिए, जख्म था, सुराख जैसा बना हुआ था, लेकिन अब ये ठीक हो गया है। अब इसको रिलीज़ कर देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इसकी पहचान हो सके। ये देखिएगा, हल्का काला लेकिन डबियाँ होती है इसके ऊपर, और नीचे की तरफ से ये बिल्कुल येलो कलर का होता है, और ऊपर हल्के हल्के डॉट बने होते हैं, और नीचे का जो हिस्सा होता है वो बैंडेड, पीली बैंडेड की तौर पे होता है, पीले रंग के बैंडेज होते हैं। तो ये आपने पहचान करनी है, और ये बिल्कुल जहरीला नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर क्या ये हल्का ऊपर से काला होता है, और रात को भी ये थोड़ा काला दिखाई देता है, इसलिए लोग डर के मारे जो है दहशत में आकर के कई बार जान गंवा बैठते हैं। अगर ये काट भी जाता है तो लोगों को ये लगता है कि ये कोबरा ने काट लिया, और वो डर के मारे मर जाते हैं। तो अगर आपके आसपास इस तरह किसी को सांप काट जाता है तो आप तुरंत हमारे नंबर पे कॉल करें या हमें व्हाट्सएप पे उसकी फ़ोटो भेजें, ताकि ये पहचान की जा सके कि कौन सा सांप जहरीला था, और उसकी वजह से हम डॉक्टर को भी बता पाएंगे कि जहरीला था या नहीं था, तो इलाज में मदद मिलेगी। और दोस्तों, झाड़ फूँक और ओझा वाले के पास आप बिल्कुल न जाएँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही मारे जाते हैं जो ओझा और झाड़ फूँक वाले के पास जाते हैं। हाँ, कुछ लोग बच भी जाते हैं झाड़ फूँक वाले के पास जाने पर, क्योंकि वो सांप जहरीला होता ही नहीं है, इसलिए वो बच जाते हैं। और झाड़ फूँक वाले को ये एहसास हो जाता है कि तेरा जो झाड़ फूँक किया हुआ था वो काम कर गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जहरीला होगा उससे नहीं बचा जा सकता। तो हमारा मकसद है लोगों की जान बचाना और इन जीवों की जान बचाना। दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में हमेशा बने रहे, लेकिन हम किसी को ये प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि जागरूक कर रहे हैं, और आपका जागरूक होना बहुत आवश्यक है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हो सकता है आपके आसपास इस तरह की कोई सांप आ जाए, किसी को सांप काटा हो, तो आप भी अगर आपको पता होगा तो आप दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। तो अब हम इसे रिलीज़ कर देते हैं। बड़ा शांत स्वभाव से ये बैठा हुआ है। हेलो। ओके दोस्तों, ये इन हल्के हल्के झाड़ी घास फूस में चला गया है। तो जो बात हमने बताई थी दोस्तों, उसका विशेष ध्यान आप लोगों ने रखना है, और इसको हमने इसीलिए यहाँ रिलीज़ किया है क्योंकि ये जहरीला नहीं है। और आप सभी को इसके बारे में जानकारी होगी, तो भविष्य में आप कभी भी जो है इसे पहचान सकेंगे। बहुत खूबसूरत सांप होता है ये, इसलिए हमने इसे रिलीज़ कर दिया है। दोस्तों, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फुल जानकारी होगी वो हम आपको देते रहेंगे, ताकि आप भी अपडेट रहें और उनको भी अपडेट रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।